दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ 5 मिनट के अंदर हम किसी भी एलिमेंट की बैलेंसिंग निकालना सिखा देंगे। ठीक है, आपको सिर्फ 2 मिनट इस वीडियो में देना है और उसके पश्चात मैं आप सभी स्टूडेंट को बैलेंसिंग निकालना बता दूंगा कि किस तरीके से आप बैलेंसिंग निकालेंगे। हाइड्रोजन से लेकर के और किसी भी एलिमेंट का हो, आप लोग बैलेंसिंग बिल्कुल तुरंत निकाल सकते हैं। बस 2-3 बातों का ख्याल रखिएगा, उसके पश्चात जो है आप आसानी के साथ बैलेंसिंग निकाल सकते हैं। कैसे, किन किन बातों का ख्याल रखना है भाई, तो ध्यान दीजिएगा, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि आपके या तो 2 इलेक्ट्रॉन है यदि या फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों की बैलेंसी जो है आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, हमेशा से ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूज करने में कोई पूछ देता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी कितनी होगी, तो बैलेंसी 0 होगी। कैसे होगी मैं ये भी बता दूंगा, 2 मिनट के अंदर आप सीखेंगे सिर्फ आप लोगों को बैलेंसी किस तरीके से निकालना है। मैं एग्जांपल लेता हूं कैसे, जैसे बेरिलियम का एग्जांपल लिया, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 4। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो पहले वाले KLMN आप लोग लिख लीजिए, तो के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और बाकी कितने बचे इलेक्ट्रॉन हमारे पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो एल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखिएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि 4 इलेक्ट्रॉन से कम होगा। ठीक है, हमेशा क्या याद रखना है आपको कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि आपका 4 इलेक्ट्रॉन से कम होगा तो क्या करना है, बैलेंसी उतनी ही रहेगी। ध्यान दीजिएगा, यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, मैं यहां पे सीधे तौर पे लिख दिया 4 से कम इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी 2, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी 1। जैसे कि हाइड्रोजन आप एग्जांपल में ले लीजिए, ठीक है, एग्जांपल में आप क्या ले लीजिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दोस्तों होता है 1, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैंने बताया कि 4 से कम यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो बैलेंसी उतनी ही रहती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिए यहां पर हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 है, क्लियर हो गया। फिर यहां पर हीलियम की बैलेंसी के बारे में बात करते हैं, मैंने बता दिया जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है दोस्तों कि उसकी बैलेंसी 0, तो यहां पर बैलेंसी 0 हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों कार्बन का, ठीक है, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है तो 6 होता है। ठीक है, तो पहले के सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एल में कितने आ जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, 4 से कम यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बैलेंसी आपकी उतनी ही हो जाएगी। ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन तो बैलेंसी 1, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन तो बैलेंसी 2, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन तो बैलेंसी 3, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 8 से घटा देते हैं, तो 8 से घटा देंगे 4 को, तो कितना बच जाएगा 4, तो कार्बन की बैलेंसी कितनी हो गई, 4, सिंपल हो गया, जैसे कि आप लोग यहां पर देख लीजिए। ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, तो 9 होता है, तो K सेल में कितने हो जाएंगे, इस L सेल में कितने हो जाएंगे, तो पहले में हो गया आपका 2, फ्लोरीन के पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में 7 हो जाएगा। अब मैंने बताया है 4 से ज्यादा मतलब 8 से घटाओ, तो 8 में से घटा दोगे तो 8 में से 7 गया तो हो जाएगा आपका 1, तो फ्लोरीन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिंपल मैंने फंडा बता दिया आपको कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बैलेंसी उतनी ही रहेगी, यदि 0 रहेगा या 8 रहेगा तो बैलेंसी 0 हो जाएगी, 4 से ज्यादा रहेगा तो बैलेंसी में से 8 में से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हटा देंगे तो बैलेंसी निकल जाएगी। थैंक यू, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये ना जूम हो गया गलती से।